तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश चैनल के बारे में। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो साउथ इंग्लैंड को नॉर्थ फ्रांस से अलग करती है। अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में अटलांटिक महासागर का जो हिस्सा आता है उसे इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये पिक्चर नासा द्वारा ली गई है, नासा के सेटेलाइट द्वारा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो ये बॉडी ऑफ वाटर देख रहे हैं, ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल की जो टोटल लेंथ है ये 560 किलोमीटर है, 560 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई 240 किलोमीटर है, जो कि मैक्सिमम है। और अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम विड्थ है 32 किलोमीटर। और जहाँ पे इसकी चौड़ाई 32 किलोमीटर है, मतलब कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 32 किलोमीटर का है, उस जगह को डोवर जल संयोगी के नाम से जानते हैं। अपने जितने लोग भी ये स्विम करके रिकॉर्ड बनाते हैं वो यही डोवर जल संयोगी के पास स्विम करते हैं। इस चैनल की एक और मज़ेदार बात यह है कि इस चैनल के सबसे गहरे स्थान पर सेकेंड वर्ल्ड वार में इस्तेमाल हुआ हथियार, जो भी सेकेंड वर्ल्ड वार में हथियार इस्तेमाल किया था इंग्लैंड ने, उसने इंग्लैंड ने इसे यहीं पर डंप किया था, इंग्लिश चैनल के सबसे गहरे स्थान पर। और इंग्लिश चैनल के में जितने भी टापू हैं, जितने भी आइलैंड्स हैं, वो सारे आइलैंड इंग्लैंड के अंतर्गत आता है। और इंग्लिश चैनल दुनिया का सबसे बिजिएस्ट समुद्री मार्ग है, यहाँ से रोज़ तकरीबन 500 से ज़्यादा जहाज़ें क्रॉस करती हैं। इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने में बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड भी बनाया है। सबसे पहले नाम आता है रिकॉर्ड में इंग्लैंड के कैप्टन मैथ्यू वेब। कैप्टन मैथ्यू वेब ने इंग्लिश चैनल को 25 अगस्त 1975 को तैर के पार किया था और उन्हें जो टोटल टाइम लगा था 21 घंटा 45 मिनट का। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि जब वो चैनल क्रॉस कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारे जेली फिशेज का सामना करना पड़ा था, जो कि बहुत ही डेंजरस था उनके लिए क्रॉस करना। भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो सबसे पहले मिहिर सेन ने तैर करके पार करने की कोशिश की थी 1958 में, माफ़ कीजिएगा 1958 में मिहिर सेन ने बस एक प्रयास किया था कि इंग्लिश चैनल क्रॉस कर जाएं, लेकिन वो उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया था। उनके बाद कलकत्ता की आरती साहा ने 1959 में इस चैनल को 14 घंटा और 20 मिनट में तैर के पार किया था। आरती साहा उस टाइम पे एशिया की पहली महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल स्विम करके क्रॉस किया था। फिर वैसे बाद में तो बहुत सारे रिकॉर्ड बनते गए, इसमें सबसे दिलचस्प रिकॉर्ड जो है वो इंग्लैंड का एक बच्चा था थॉमस ग्रेगरी, जो कि 11 साल की उम्र में, और इंग्लैंड की ही थी समांथा ड्रूस। समांथा ड्रूस ने 12 साल की उम्र में ये इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था। यहाँ पर एक स्विमिंग एसोसिएशन भी है जो स्विमिंग की प्रतियोगिता कराती है। और इस चैनल का सबसे रोचक बात ये है कि इसके नीचे से, यानी कि समुद्र के नीचे, रेलवे ट्रैक बना हुआ है और पैसेंजर ट्रेन भी गुजरती है, आप कार से भी जा सकते हैं। और ये जो टनल है वो समुद्र के नीचे से ही गुजरता है। इसकी लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है और इसे बनाने में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों देशों ने बराबर साझेदारी की है। ये टनल विश्व का सबसे लंबा अंडरग्राउंड रेलवे टनल है। और बारे में आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप नेशनल ज्योग्राफी पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, आप देख सकते हैं। तो इस टनल को बनाने का आइडिया सबसे पहले 1802 में इंग्लैंड के पास आया था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल प्रेशर के चलते और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड ने इस टनल को बनाने से मना कर दिया था। फिर बाद में 1988 में उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और ये टनल 1994 में बन के रेडी हुआ था। ये उस टाइम का सबसे महंगा बजट वाला टनल था, इसमें लगभग 21 बिलियन डॉलर लगे थे। तो इस टनल के बनने के बाद इंग्लैंड से फ्रांस की डिस्टेंस सिर्फ आधे घंटे में कवर हो जाती है। और इसके नीचे टोटल तीन टनल हैं, एक अप के लिए, एक डाउन के लिए और एक बीच में इमरजेंसी के लिए है। तो दोस्तों ये था इंग्लिश चैनल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।